मंत्र विभाग के मंत्र विभाग। मित्रों, आज मैं आपको ऐसे मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसमें चंद्र कुंडली में यदि बुध एकादश स्थान में 11वें स्थान में होता है तो उसका क्या फल मिलता है उसके बारे में कहा गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है, चंद्रा एकादशे सौम्या लाभकारी पदे पदे वर्ष एकादशे पुंसः पाणिग्राहो भविष्यति। अर्थात जिस जातक की चंद्र कुंडली में बुध एकादश स्थान में होता है या लग्न कुंडली में बुध चंद्र से 11वें भाव में होता है, ऐसे जातक अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उन्हें उन सभी कार्यों में सफलता मिलती है, लाभ मिलता है। उपरांत ऐसे जातक के विवाह बहुत ही कम आयु में हो जाते हैं। मित्रों, जिस जातक की चंद्र कुंडली में बुध 11वें स्थान में होता है उन जातकों में यह सब बातें देखने मिलती है या नहीं, इसका अवलोकन अवश्य कीजिए। मैं आशा करता हूँ यह सभी बातें आपको दैनिक जीवन में वास्तविक रूप में उपयोगी होगी। आप सबका आज का दिन शुभ रहे, आने वाला समय अति शुभ रहे, ऐसी आशा और प्रार्थना के साथ मैं भावेश दवे आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।